लिए सवाल आते हैं। पहले आते हैं कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होता है फोर्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और वोल्टेज पे। याद है जब भी दो प्लेट्स के दरमियान में हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं, फोर्स भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती है, वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। सो एक चीज बढ़ती है, क्या बढ़ती है? कैपेसिटेंस जो इंक्रीज होती है। डीसी कैपेसिटर, डीसी करंट में कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे यूज होता है, और एसी करंट जब हो रहा हो तो कैपेसिटर क्लोज सर्किट के तौर पे यूज होता है। ये भी कराची डीसी के टेस्ट में आई थी एमसीक्यूस। हाँ जी, ये बड़ा आ जाता है, मैं आपको बता दो। सवाल दिया था रेजिस्टेंस इनटू आई, पी अपॉन आई या अंडर रूट आर इनटू वी किसके इक्वल होता है? तो मेरे भाई ये वोल्टेज के इक्वल। एक बार ये आ गया था, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ पावर? एक दिया था वी स्क्वायर अपॉन आर, एक दिया था आर आई स्क्वायर, एक दिया था वी आई। तो भाई ये तीनों ही पावर के फार्मूले होते हैं। इसका आंसर था ऑल ऑफ दैट। एक साल कराची डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट में जो आया था वी अपॉन आर, पी अपॉन वी और अंडर रूट पी अपॉन आर किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है करंट के। ये दोनों सवाल दो कराची डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट में आए हुए हैं, एज इट इज। ये कराची डिस्ट्रिक्ट में, नस में, एनईटी में, दाऊद में हर जगह आ चुके हैं। ये वाला आया तो नहीं आज तक, लेकिन जब हमें सारे रिलेशन पूछ चुके हैं तो ये भी पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस किस किस के बराबर होती है। वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर, पावर अपॉन करंट स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हैं। एक सवाल आगे आता है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? तो भाई ये 10^-4 ओम मीटर कराची एनएसटी में आया हुआ सवाल है। एक और सवाल जो कराची एनएसटी में आया था कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10^8 ओम मीटर। एक सवाल जो कराची यूनिवर्सिटी में तो नहीं लेकिन दाऊद यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो बहरहाल इंपॉर्टेंट तो है, जरूरी नहीं कि दाऊद में आया तो केयू में नहीं आए। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10^-2 से लेके 10^2 ओम मीटर। फिर एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, सेमीकंडक्टर किस मटेरियल की बनी हुई होती है? ये एमसीक्यूज बहुत आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलियम आर्सेनाइड। रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक से एक एमसीक्यूज आई है। देखिए क्यूरी और बैकरल दोनों यूनिट होते हैं, लेकिन क्यूरी जो कि बैकरल की स्थानीय थी इसलिए क्यूरी बड़ा यूनिट होता है। एक क्यूरी में कितने बैकरल होते हैं? 3.7×10^10 बैकरल होते हैं। फिर जनाब अली एक फार्मूला आया था कि बेसिकली टॉर्क इक्वल किसके होती है? बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, करेक्ट ऑप्शन ये है। आई से बोला दिया करंट नहीं है, इनर्शिया, इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ए होता है हमारा एक्सेलरेशन। इसी तरह ये एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। आई से मुराद फिर इनर्शिया, ओमेगा से मुराद एंगुलर वेलोसिटी। और ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। दो सब्सटेंस की स्पीड मालूम करनी है, V1 और V2 की, तो इक्वल होगी अंडर रूट T1 अपॉन T2। क्योंकि V1 पहले सब्सटेंस की वेलोसिटी जाहिर है V के टेम्परेचर के हवाले से होगी, यानी दो गैसेस हैं। आप फर्ज करो एक गैस ये या दो स्पीड को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये फार्मूला होता है V1/V2 √T1/T2। यहाँ वो फार्मूले के तौर पे भी आई थी एमसीक्यूज। कल कल को ये भी कर सकते हैं कि इसका कोई न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कराची डिस्ट्रिक्ट के पास पेपर्स की आपको प्ले लिस्ट में बहुत सारी मिल जाएगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आराम से देखें, डट के प्रैक्टिस करें, बहुत कुछ है और मैं मजीद देता हूँ।